हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। टू माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश्री डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित। इसमें रीज रेनी, लुशी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्त्री वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है, जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है, जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अमीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोव स्टिल रीति पर आधारित एम एन ब्रैनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वेनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20th सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे, जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटन ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लुकन और ध्यान आकर्षित किया, जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था, जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप
लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आग गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रोड्यूसर की प्रशंसा की, इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनेजर या कॉमेडी के लिए ब्रेडल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बर्निया पर विपरीतिया लॉन न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वैनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियल और मेंजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सर्वियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वैनिया हिस्टगन एक मामूली रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वैनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वैनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने है पर एलेन में उसके पूर्वी तट के टी बिल्कुल वितरित हैं, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वैनिया का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडल मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित, इसमें रीज रेनी, लुशी वैनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है, जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अमीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोप, स्टिल रीति
पर आधारित एम एन ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लूशी वेनी स्नेमा बिलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिमेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रोडक्शन मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से निहित लगन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रोड्यूसर की प्रशंसा की, इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मेंजियर या कॉमेडी के लिए ब्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बेर्निया पर विपरीतिया लॉन न्यूजीलैंड शहर में खुल गई जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियर और मेंजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सरेवियर कलिया और एनवेरिया को उसका प्रेमिकन वेनिया हिस्टगन एक मामूल्य रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह वे उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वेनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने पर एलेन में उसके पूर्वी तट के
टी बिल्कुल विपरीत है, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है, लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैर्डेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित, इसमें लीज रेनी, लुशी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्त्री वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है, जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है, जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अमीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोप स्टिलिति पर आधारित एम एन ब्रैनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वेनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिमेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट 23, संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 18 मिलियन। लिंग बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे, जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिंकन और ध्यान आकर्षित किया, जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था, जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की। इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मेंजियर या
कॉमेडी के लिए ब्रेडल के गनी अवडेशी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मेशियन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी बेनी दो रेड पैगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बर्निया पर विप्रेतिया लॉर्ड न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वैनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियर और मेंजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सुरेवियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वैनिया हिस्टगन एक मामूल्य रिगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वैनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह वे उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वैनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचान ने है पर एलेन में उसके पूर्वी ट्रट के सहपाठी बिल्कुल विपरीत हैं, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलेन को जल्द ही वैनिया का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैर्डेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित इसमें लीज रेनी, लुशी वैनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है, जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अभिय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोप स्टिलिती पर आधारित एमेंड ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वैनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप
ऑफ फिल्म मेकर प्रोडक्शन मैड्रिड गोली ड्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 18 मिलियन। लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिंकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रोड्यूसर की प्रशंसा की। इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनेजर या कॉमेडी के लिए ड्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रोड्यूसर के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी। इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैनिया फ्रांसिस्को में हुई। 29 फरवरी 2007 को बर्निया पर भी प्रेतिया लॉन न्यूजीलैंड शहर में खुल गई जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियर और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सर्वियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वेनिया हिस्टगन एक मामूली रिगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वेनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपनी पहचान ने है पर एलेन में उसके पूर्वी ट्रट के टी बिल्कुल वितरित है जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैर्डर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन
कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डोनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 के इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित इसमें लीज रेनी, लुशी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्त्री वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी पटकथा की है ग्रैनी मिकलोव स्टिलिति पर आधारित एमेंड ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वेनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिंकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने 18 मिलियन डॉलर के बजट पर दुनिया भर में 141 मिलियन डॉलर की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की। इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनेजर या कॉमेडी के लिए ब्रेडल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। बैक्सर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य
फ्रांसी तक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बेर्निया पर भी प्रेतिया लॉर न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वैनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियर और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवेंज स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सुरेवियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वेनिया हिटगन एक मामूल्य रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बना एक और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वेनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने पर एलेन में उसके पूर्वी ट्रट के टी बिल्कुल वितरित हैं, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैर्डेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लुटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित, इसमें लीज फ्रेनी, लुशी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है, जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोप स्टिलिति पर आधारित एमएन ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वेनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20th सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंग बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे।
एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिकन और ध्यान आकर्षित किया, जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रोड्यूसर की प्रशंसा की, इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनेजर या कॉमेडी के लिए ब्रेडल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। बैक्सर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी, इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बेर्निया पर भी प्रेतियल और न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियल और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सर्वियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वेनिया हिस्टगन एक मामूली रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वेनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपनी पहचान ने पर एलेन में उसके पूर्वी तट के टी बिल्कुल वितरित हैं, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैर्डेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डोनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लुटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित, इसमें लीज रेनी, लुशी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है।
जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वर्नर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोव, स्टिल रीति पर आधारित एम एन ब्रैनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन केणाड़ा, अभिनीति रीजा बेंद्रूपन, लूशी वेनी, स्नेमा बलेरा, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेरी, जेनिफर क्लूजी, छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन, संगीत दिया है रोवन केटी, उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर, रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 18 मिलियन, लिंग बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्त हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे, एलिन पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिंकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की, इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनजियर या कॉमेडी के लिए ड्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गमी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी, 2 रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी, इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बेर्निया पर भी प्रेतिया लॉन न्यूजीलैंड शहर में खुल गई जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियर और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सर्वियर कलिया और एनवेरिया को उसका प्रेमिकन वेनिया हिटगन एक मामूली
रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह वे उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वैनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने पर एलेन में उसके पूर्वी तट के टी बिल्कुल वितरित हैं जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वैनिया का सम्मान करना पड़ता है लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डोनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लुटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित इसमें लीज रेनी, लुशी वैनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्त्री वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोव स्टिलिति पर आधारित एमएन ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन केनाडा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वैनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिमेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड गोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंग बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिन पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वैनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिंकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था।
मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने 18 मिलियन डॉलर के बजट पर दुनिया भर में 141 मिलियन डॉलर की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की। इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनजियर या कॉमेडी के लिए ड्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। बैक्सर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी बेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी, इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बेनिया पर भी प्रेतिया लॉर न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियर और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सर्वियर कलिया और एनवेरिया को उसका प्रेमिकन वेनिया हिटगन एक मामूली रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वैन्य को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने पर एलेन में उसके पूर्वी तट के टी बिल्कुल वितरित हैं, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश्री डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लुटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित। इसमें लीज रेनी, लूसी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है, जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अमीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में कौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है।
निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलो, स्टिल रीति पर आधारित एम एन ब्रैनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा, अभिनीति रीजा बेंद्रुपन, लूशी वेनी, सिनेमा बलेरा, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेरी, जेनिफर क्लूजी, छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरवन, संगीत दिया है रोवन केटी, उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर, रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001, कार्यकारी समय 96 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 18 मिलियन, लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्त हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे, एलिन पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिय के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने 18 मिलियन डॉलर के बजट पर दुनिया भर में 141 मिलियन डॉलर की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की, इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनजियर या कॉमेडी के लिए ड्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। बैक्सर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी, इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बेर्निया पर विप्रेतिया लॉर्ड न्यूजीलैंड शहर में खुल गई जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडी और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सुरेवियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वेनिया हिटगन एक मामूली रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातिया और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वेनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचान ने है पर एलेन में उसके पूर्वी अटट के
टी बिल्कुल विपरीत है, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है, लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माय यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डोनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लुटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित, इसमें लीज रेनी, लुशी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कुजल है। विस्तरी वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है, जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है, जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोव स्टिल रीति पर आधारित एमएन ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वेनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड गोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्त हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे, जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिन पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से मुखातिब की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लुकन और ध्यान आकर्षित किया, जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने 18 मिलियन डॉलर के बजट पर दुनिया भर में 141 मिलियन डॉलर की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की। इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मेंजियर या
कॉमेडी के लिए ड्रेनल के गैनी अवडेशी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मेशियन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। वेक्सर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसी तक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बर्निया पर विपरीतिया लॉर न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वैनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडी और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सुरेवियर कलिया और एनवियरियो को उसका प्रेमिकन वैनिया हिस्टगन एक मामूल्य रिगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वैनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातिया और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वैनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचान ने है पर एलेन में उसके पूर्वी ट्रट के टी बिल्कुल वितरित हैं जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वैनिया का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश्री डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित इसमें लीज रेनी, लुशी वैनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अमीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में कौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी पटकथा की है ग्रैनी मिकलोप स्टिल रीति पर आधारित एमएन ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन केनाडा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वैनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप
ऑफ फिल्म मेकर प्रोडक्शन मैड्रिड गोली ड्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 18 मिलियन। लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्त हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिन पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिय के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आग गई। यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने 18 मिलियन डॉलर के बजट पर दुनिया भर में 141 मिलियन डॉलर की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रोड्यूसर की प्रशंसा की। इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनेजर या कॉमेडी के लिए ड्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रोड्यूसर के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। वेक्सर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी। इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बर्निया पर विप्रेतियल और न्यूजीलैंड शहर में खुल गई जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियल और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सुरेवियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वेनिया हिस्टगन एक मामूल्य रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातिया और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वेनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचान ने है पर एलेन में उसके पूर्वी अटट के टी बिल्कुल वितरित हैं जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन को
कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश्री डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित इसमें लीज रेनी, लुशी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्त्री वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी पटकथा की है ग्रैनी मिकलोव स्टिल रीति पर आधारित एमएन ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वेनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिमेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिय के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से निहित लेखन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने 18 मिलियन डॉलर के बजट पर दुनिया भर में 141 मिलियन डॉलर की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की। इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनजियर या कॉमेडी के लिए ब्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य
फ्रांसी तक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बेर्निया पर भी प्रेतिया लॉन न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वैनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियल और मेंजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सुरेवियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वैनिया हिस्टगन एक मामूल्य रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वैनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातिया और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वैनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने है पर एलेन में उसके पूर्वी तट के टी बिल्कुल वितरित हैं जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वैनिया का सम्मान करना पड़ता है, लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश्री डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित इसमें लीज रेनी, लुशी वैनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्त्री वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोव स्टिल रीति पर आधारित एमएन ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वैनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडित रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे।
एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिकन और ध्यान आकर्षित किया, जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आग गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की। इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनजियर या कॉमेडी के लिए ब्रेडल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बर्निया पर विप्रेतिया लॉन न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियल और मेजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सरेवियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वेनिया हिस्टगन एक मामूली रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वेनिया को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने है पर एलेन में उसके पूर्वी तट के टी बिल्कुल वितरित हैं, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैर्डेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित इसमें रीज रेनी, लुशी वेनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिंग ब्रेडल की भूमिका निभाई है।
जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौर्य और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोव स्टिलिति पर आधारित एम एन ब्रैनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लूशी वेनी स्नेमा बिलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिमेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रोडक्शन मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट 23 संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था। मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रोड्यूसर की प्रशंसा की, इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनेजर या कॉमेडी के लिए ब्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बैर्निया पर विपरीतिया लॉन न्यूजीलैंड शहर में खुल गई जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियल और मेंजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सरेवियर कलिया और एनवेरिया को उसका प्रेमिकन वेनिया हिस्टगन एक मामूली
रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वैनिय प्रपोजर करेगा और लेकिन यह वे उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह गैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वैनिय को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने है पर एलेन में उसके पूर्वी ट्रट के टी बिल्कुल वितरित है जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वैनिय का सम्मान करना पड़ता है लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैर्डेड मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लोटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित इसमें लीज रेनी, लुशी वैनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिन ब्रेडल की भूमिका निभाई है जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अम्बीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में गौरव और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है। निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलोप स्टिलिति पर आधारित एमएन ब्रेनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लुशी वैनी सिनेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिमेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001। कार्यकारी समय 96 मिनट। संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन। लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे। एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे। 2000 में वैनिय के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की। प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया। इस परियोजना से नेहित लिंकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था।
मैं 2 साल से पढ़ रहा था, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं। जब तक कानून रूप से गोर चोर और आग गई, यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही। इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की, साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। विशेष रूप से वेटल के प्रोड्यूसर की प्रशंसा की, इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनेजर या कॉमेडी के लिए ब्रेडल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई। पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया। 2003 की अली कड़ी लिगी बेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी, इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैन्य फ्रांसीतक में हुई। 29 फरवरी 2007 को बर्निया पर विप्रेतियल और न्यूजीलैंड शहर में खुल गई, जिसमें लॉरिया वैनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियर और मेंजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था। अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है। फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सर्वियर कलिया और एनवेरियो को उसका प्रेमिकन वैनिया हिस्टगन एक मामूल्य रिगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वैनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह वे उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और बनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है। एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वैनिय को वापस जीत जा सकती है। महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया। हॉलीवुड अपने पहचानने है पर एलेन में उसके पूर्वी ट्रट के टी बिल्कुल वितरित है, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलेन को जल्द ही वैनिया का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लीगली बैडल मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट लुशिकेंट ने अपने फीचर लेंथ डॉनिश डेविट ने किया है। अमेंड ब्रोनन के 2001 की इसी नाम के उपन्यास से क्रेरी मुकुअल लुटन और किस्टेन स्टिम द्वारा लिखित, इसमें लीज रेनी, लुशी वैनी, सिनेमा फ्रेलर, मैथल डेविन्स, विक्टर ग्रेवर और जेनिफर कूजल है। विस्तरी वैन ने एलिन ब्रेडल की भूमिका निभाई है, जो एक जादू टोना करने वाली लड़की है जो अपने पूर्व प्रेमिका वानर हेडिगन को वापस पाने का प्रयास करती है। हेडिवन लॉन स्कूल में यूसी डॉक्टर की डिग्री और इस प्रक्रिया में अमीय आत्मविश्वास और फैशन सौंदर्य ज्ञान के माध्यम से एक सफल वकील के रूप में कोरिया और विजय के खिलाफ रोटियों पर गावू बताती है।
निर्देशन रॉबर्ट लेशी, पटकथा की है ग्रैनी मिकलो स्टिलरिती पर आधारित एम एन ब्रैनी द्वारा कानून रूप से कोरा द्वारा निर्मित मेटल प्लेटी रिकन किरणाड़ा अभिनीति रीजा बेंद्रूपन लूशी वेनी स्नेमा बलेरा मैथल डेविन्स विक्टर ग्रेरी जेनिफर क्लूजी छायांकन एथिन वी रिवेंच द्वारा संपादित अनीता ब्रेडरन संगीत दिया है रोवन केटी उत्पादक कंपनियां टाइप ऑफ फिल्म मेकर प्रदूषण मैट्रिड कोली ट्रिवेन मेरिया द्वारा संपादित एम्प्रेडिट रेडिट कंपनी 20 सेंचुरी फेजर रिलीज की तारीख 13 जुलाई 2001 कार्यकारी समय 96 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 18 मिलियन लिंक बैनर की रूपरेखा प्रेनी के उन अनुभवों से उत्पत्रित हुई जो एक गौरी के रूप में स्टीफेन लग स्कूल में जाते थे जबकि फैशन और सुंदरता से ग्रस्त थे एलिंग पत्रिका पढ़ते थे और अक्सर अपने साथियों के व्यक्तियों के रूप में संघर्ष करते थे 2000 में वेनिया के निर्माता माइकल प्लेटर से विकसित की जाने वाली की वो एक उपन्यास में विकसित करने में मदद की प्लेटर ने पटकथा लेखक माइकल लुप्त और स्थिति को पुस्तकों को एक चलचित्र में रूपांतरित करने के लिए लाया इस परियोजना से नेहित लिकन और ध्यान आकर्षित किया जो एक ऑस्ट्रेलियन नवत था जो अपनी विचित्र पहली लघु फिल्म ड्रेनी ब्रेनर की सफलता पर हॉलीवुड आया था मैं 2 साल से पढ़ रहा था मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं अपनी व्यक्तिगत छाप लगा सकूं जब तक कानून रूप से गोर चोर और आ गई यह फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और दर्शकों के बीच हिट रही इसने $18 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $141 मिलियन की कमाई की साथ ही आलोचनाओं से मूल्यांकन सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की विशेष रूप से वेटल के प्रदूषण की प्रशंसा की इसे सर्वश्रेष्ठ मिशन पिक्चर्स मैनजियर या कॉमेडी के लिए ड्रेनल के गैनी अवडेटी के लिए नामांकित किया गया था कि ब्रेडल को आई नेत्री मिशन पिक्चर्स कॉमेडी के गैडल गवी नामांकित और सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदूषण के लिए 2002 में एडी मूवी अवल की गई पिक्चर ऑफिसल की सफलता ने फिल्म की एक श्रृंखला को जन्म दिया 2003 की अली कड़ी लिगी ब्रेनी दो रेड पेगल और 2009 में सिपंस लिगी ब्रेनी इसके अतिरिक्त गिली ब्रेडी द म्यूजिकल का प्रीमियर 23 जनवरी 2007 को सैनिया फ्रांसीतक में हुई 29 फरवरी 2007 को बेनिया पर विप्रेतिया लॉन न्यूजीलैंड शहर में खुल गई जिसमें लॉरिया वेनी ए ने अभिमन्य 2020 में यह घोषणा की कि अमेडियर और मेंजली और डैनी गोरी की तीसरी फिल्म लिखने के लिए साइमन किया गया था अक्टूबर 2020 में एवन स्टूडियो ने अपने अधिकारी शोलियम रेडिल के माध्यम से वेगी और कोलिंग 2020 में रिलीज किया गया की योजना है फैशन पिक्चर्स और स्टूडियो और सुरेवियर कलिया और एनवेरिया को उसका प्रेमिकन वेनिया हिस्टगन एक मामूली रेगिस्तान में ले गए जाते हैं और उस उम्मीदवारी करते हैं कि वेनिया प्रपोजर करेगा और लेकिन यह भी उसके वजह से उसके साथ टूट जाती है और वह कैडवेल लॉ स्कूल में जाने और उसके एक सफल राजनेता के बनाए और इमारतियों को रखता है और मनाता है कि जीवन यह बरातीय और गंभीर नहीं है एलेन मानता है कि अगर वह खुद को उन्हीं चीज़ों से हासिल करने में समक्ष कहती है तो वह वेनिया को वापस जीत जा सकती है महिलाओं के अध्ययन के बाद एलेन ने 197 मिलियन की कमाई के अंग प्राप्त किए और अपने साथ ही हॉलीवुड स्कूल में स्वीकारित किया हॉलीवुड अपनी पहचान ने है पर एलेन में उसके पूर्वी तट के
टी बिल्कुल विपरीत है, जो अक्सर उस पर अविश्वासित रह करते हैं कि एलन को जल्द ही वेनिया का सम्मान करना पड़ता है, लेकिन पता चलता है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।